26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। मानदेय के लिए हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, मैत्री और पशु टीका कर्मी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को एक रुपया मानदेय नहीं मिल रहा है। कई वर्ष बंद हुए मगर अभी तक काम ही नहीं हो रहा है ना। आश्वासन दिया जा रहा है खाली जो हो जाएगा, अभी तक नहीं हो रहा है। बताइए, लगातार मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, सचिवालय में जा रहे हैं, निदेशालय में जा रहे हैं, LRS ऑफिस में जा रहे हैं, BLDA ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। हम नौकरी देंगे, 8 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, अगर देर कहाँ रहा है। हम लोग बंधुआन मजदूर की तरह से खटवाते आज तक किसी का बाल भी पक रहा, किसी का जवानी भी ढल गया है। अब क्या करेंगे? शांति से हम लोग चाह रहे हैं कि अगर प्रक्रिया जो अगर सही सलामत कर दे तो हम लोग शांत रहेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बड़ी संख्या में जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला है आप लोग बीजेपी दफ्तर? हम लोग आए हैं यहाँ पे मानदेय के लिए। हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, मैत्री और पशु टीका कर्मी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को एक रुपया मानदेय नहीं मिल रहा है। कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए। देखिए, बोलिए। अभी 2016 से कर रहे हैं, 16 से कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना पैसा मिला ना कुछ काम मिला है। पैसा भी हो गया, कुछ दिन बंद हुए मगर अभी तक काम ही नहीं हो रहा है ना। आश्वासन दिया जा रहा है खाली जो हो जाएगा, अभी तक नहीं हो रहा है। बताइए, लगातार मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, सचिवालय में जा रहे हैं, निदेशालय में जा रहे हैं, LRS ऑफिस में जा रहे हैं, BLDA ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। यहीं झारखंड में लागू कर दिया है 6,000 पे। सेम हम लोग का साथी वो लोग भी हड़ताल पे कर रहे थे, वो लोग को 6,000 और बीमा वीमा सब वो लोग को मिल रहा है और हम लोग को कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग क्या झारखंड सरकार से कमजोर है बिहार सरकार? हम यही पूछना चाहते हैं पशुपालन मंत्री। सरकार कुछ नहीं करने वाला। मांग क्या है? मांग हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए। हम लोग मैत्री टीकाकर्मी जो कि 18 साल से खड़ रहे हैं, किसी का दादा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा का बाल पक रहा है। बताइए सरकार क्या कर रही है? सरकार जो कर रही है कि हम नौकरी देंगे, 8 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, अगर देर कहाँ रहा है। हम लोग बंधुआन मजदूर की तरह से खटवाते आज तक किसी का बाल भी पक रहा, किसी का जवानी भी ढल गया है। अब क्या करेंगे? इसलिए हम लोग चाहते हैं हम लोग क्या मांग है जी विभाग के साथ? तो हम विभाग हमारे साथ तो बहुत खेल खेला है। आज हम लोग 15 सालों से इसका कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर लोगों का जो है हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता था कि आप लोग काम कीजिए, आप लोग का समायोजन होगा हैं। और मंत्री से मिले तो मंत्री भी वही कहते हैं, समय आने दीजिए, आपका समायोजन होगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। एक मैत्री का जो है टूटपुंजिया प्रशिक्षण दे करके, सामान दे करके हम लोगों को बेघर कर दिया। उसमें न L&T देता है, न सीमेंट देता है, न कुछ हो। सिर्फ हम लोगों को दौड़ाता है और काम करवाता है, पैसा भी पेमेंट नहीं करता है। क्या आप लोग का क्या मांग है? हमारा मांग है कि जो अभी तक 2017 से लेकर अभी तक जो है कोई पैसा नहीं मिला है। 2000 FMD किए थे इससे पहले, वो भी पैसा नहीं आया हुआ है। PPR किए थे, वो भी पैसा नहीं आया है। हम लोग को मानदेय जो है होना चाहिए। अगर बात नहीं आप लोग के मानते हैं मंत्री जी, तो आगे क्या करिएगा? आगे हम लोग जो प्रक्रिया है उसी में लगे हुए हैं। सब लोग आए हैं, पूरे जो है बिहार के 2700 जो टीका कर्मी है, शांति से हम लोग चाह रहे हैं कि अगर प्रक्रिया जो अगर सही सलामत कर दे तो हम लोग शांत रहेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं इसको, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग आगे तक जाएंगे, हाँ पूरे सड़क को जाम कर देंगे और पूरे पूरे बिहार में वैक्सीन टीका आज से बंद रहेगा, कोई नहीं करेगा, पूरे कोई नहीं करेगा। हम लोग को मिल रहा है, काम करते हैं, पैसा भी नहीं मिल रहा है। बरमान हम लोग जो है परेशान हो रहे हैं। एकदम उतरेंगे नहीं, एकदम क्या करेंगे? हम तो लास्ट में उतरना ही ना पड़ेगा, हम लोग के उतरने पड़ेंगे। बार बार औरंगाबाद जिला से आ रहे हैं, बार बार कई जिला से सब आ रहे हैं, कुछ हम लोग के अथी नहीं हो रहा है। इस समस्या के हल होना चाहिए ना। तो चलिए, BJP कार्यालय के पास बड़ी संख्या में जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं वो पहुँच गए हैं अपनी मांगों को लेकर। लोग पशुपालन मंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी लगातार इनसे मिल रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। अभी लोग सड़क पर उतरने का भी ऐलान कर दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।